मैं तो ये सांप पकड़ता हूँ किसी को इनकी तरफ से नुकसान ना पहुँचे, ना इनको इंसानों की तरफ से नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि जब जंगल है, जंगल के जानवर है, तब हम हैं, तो जब ये नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो कितने सांप पकड़े होंगे? मैंने तकरीबन 1000 के करीब पकड़े होंगे। इसमें खास चीज़ों की ज़रूरत ही रखनी पड़ती है, एक तो बंदा क्विक होना चाहिए, जब इसके सामने सांप आए डरना नहीं उससे, अगर सांप से डरे तो वो सीधे, ये तो सिंपल सी बात है, वो काटने को आएगा सांप, तो सांप को पकड़ना है उस वक्त एक्टिव रहना है, सांप को पकड़ना है, ना उसको नुकसान पहुंचाना है ना कुछ करना है। तो मेरी एक्सपीरियंस इतनी बढ़ गई सांप पकड़ते पकड़ते, आप मुझे पता भी चल गए फीमेल कौन होता है, मेल कौन होता है, तो बच्चा कौन होता है, तो बड़ा सांप कौन होता है। 2003 से, तब मैं बिल्कुल छोटा था, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था, तब मैं छोटे बच्चे, सांपों के छोटे बच्चे पकड़ता था। जब आगे मेरी एज बढ़ती गई तो फिर मेरी एक्सपीरियंस भी बढ़ गई, तो मैं बड़े बड़े सांप पकड़ने लगा। क्या वजह है इस एरिया में इतने सारे सांप हैं? जंगल है, जंगल के सामने होते हैं सांप, तो एक तरफ से तो जंगल है, दूसरी तरफ से इनको भूख लगती तब ये नीचे आते हैं, या पानी पीने आते हैं, तो गाड़ी वाले आते हैं सड़क पे तो कुचल देते हैं इनको। तो मेरा सिस्टम ये है कि मैं अगर देखूंगा सांप को सड़क पे, मैं गाड़ी वाला आएगा उधर से, मैं गाड़ी वाले को रोकूंगा, उसको उठाऊंगा। कभी कबार इनका सीज़न एक होता है मार्च अप्रैल में सांपों का, ये चल नहीं पाते, ये तब अंधे होते, इनकी केचली तब उतरी नहीं होती है, तो मार्च अप्रैल के बाद इनकी केचली उतरती है, जब केचली उतरती है तब इनको दिखाई देता है, तब तक ये अंधे होते, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं सांप, तो उसके बाद तो ये फिर किसी के पीछे भी दौड़ पाएंगे। लेकिन आज जो सांप निकलते हैं, आज भूख की वजह से, प्यास की वजह से नीचे उतरते, क्योंकि बारिश भी बहुत दिनों महीनों से गिरी नहीं, ना कुछ खाना है इनको ऊपर, इसलिए ये नीचे अपना खाना खाने आते हैं, पानी पीने आते हैं, तो तब यहाँ पे कुछ लोग, अनजान लोग इनको मार देते हैं, जिनको पता नहीं किसी चीज़ का, तब मार देते हैं, नहीं तो इनसे कोई ख़तरा नहीं है। मैं कहीं भी सांप देखूंगा मैं वो बेटर फील करता हूँ, गुड फील करता हूँ। तो पकड़ने के बाद आप इनको क्या करते हो? मैं इनको पकड़ता हूँ, फिर साइड में जंगल में छोड़ देता हूँ, सेफ एरिया में। मैंने बहुत सारे सांप उधर आगे छोड़े, डबरून कहते उसे, और वहाँ छोड़े हैं आगे नदी में, उसे सिल कहते हैं, वहाँ पे छोड़े बहुत सारे सांप, लेकिन नुकसान मैंने आज तक किसी सांप को नहीं पहुँचाया, ना मारा है मैंने आज तक कोई सांप। जब कोई आम इंसान जब सांप देखता है तो उसे क्या करना चाहिए? सांप देखना है, अगर इंसान देखेगा सांप, सबसे पहले उसको अपने आप पे कंसंट्रेट रखना है कि उसने सांप देखा ना, उसको सांप को छेड़ना है ना कुछ करना है, अपना रास्ता बदल देना है, सांप भी चला जाएगा वो। तो उसके बावजूद दूसरा चीज़, अगर अचानक से सांप के ऊपर उसका लात पड़े, उसे कुछ नहीं करना है, खाली अपना पैर पीछे लेना है, सांप खुद ब खुद चलाएगा। आधे लोग डरते हैं, चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं, खुद डर लगता है उनको, सांप डरता है वो, उसको लगता है ये मुझे, उसने चिल्लाया ये कुछ करेगा मुझे, सांप डसता है, यही बात है।